प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम टीवी खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड चर्चा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर सप्ताहांत का जो भी निचोड़ है और सप्ताह का जो भी एक खबर है वो उस वीकेंड चर्चा में हम रखते हैं और इस पर चर्चा की जाती है। तो अगर सप्ताहांत की बात करें तो सप्ताहांत में जो मुख्य अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लगातार रस्सा कसी का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी उसको ऑपरेशन लोटस बोल रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को दौर लगा रही है और ये दौर है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर ये दौर हम केवल दिल्ली में नहीं देखे हैं, ये दौर हम राजस्थान में भी देखे हैं, ये दौर हम बिहार में भी देखे हैं, ये दौर हम महाराष्ट्र में देखे हैं, उत्तर प्रदेश में देखे हैं। जहाँ पर भी अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है वहाँ पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चलना शुरू हो जाता है। खैर, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात को एक दरकरार भी कर देते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्य विपक्ष के रूप में बड़ी होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे सक्रिय विपक्ष की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों की हम बात करेंगे तो 111 सीटों के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में सामने आई थी, पर उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वो सक्रियता देखने को नहीं मिली जिसके लिए वो जानी जाती है, जिसके लिए उसके कार्यकर्ता जाने जाते हैं, जिसके लिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था रही वो कम रही और साथ ही साथ जो सक्रियता है, जनता के लिए संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं कम नजर आया है, जिसके चलते जनता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब क्या ये पार्टियाँ केवल ट्वीट की राजनीति करेंगी, क्या ये पार्टियाँ केवल केवल दिखावे की राजनीति करेंगी या जनता के लिए सड़कों पर भी उतरती नजर आएंगी। तो वहीं मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रही है। एक कड़ी में आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, अपने पूंजीपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाया गया, इस तरह के आरोप उन्होंने सरकार पर लगाई और बाकायदा उन्होंने इसके लिए एक लिस्ट भी जारी की है। तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिल्ली में रही, उसके बाद अब यह रही। हालांकि दिल्ली का मामला अलग था, मनीष सिसोदिया वाला मामला था, ऑपरेशन लोटस वाला मामला था, पर यहाँ पर मामला ये है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर पदयात्रा निकालने वाली है कल और 5 से 10 किलोमीटर के अलग अलग क्षेत्र शहरों में यात्रा होगी, जहाँ पर जितना उसका शहर का आकार होगा उसके हिसाब से यात्रा निकलेगी और बेरोजगारी, महंगाई और जो 15 लाख करोड़ वाला मुद्दा है इस पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी। कुछ बयान सुनते हो आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने क्या कहा, उसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पदयात्रा करेंगे, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, जहां जितना छोटा बड़ा शहर होगा उसके हिसाब से पदयात्रा करेंगे। 15 लाख करोड़ रुपए की लूट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। इस तरह से संजय सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने काम कर रही है, और चूंकि यहाँ पर बात बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए चर्चा के लिए हमारे साथ तीनों पार्टियों से मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका रूबरू करा दूँ, यहाँ पर रामनिवास यादव जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी जी हमारे साथ पक्ष रखेंगे और नितिन सिंह यादव फोन पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी से रहेगा। तकी भाई, क्या बात है, लगातार पहले दिल्ली में रस्साकसी का दौर जारी है और वही रस्साकसी अब यहाँ पर आ गई है, क्या मानते हैं कि किस तरह की जो रणनीति है, ये निकाय चुनाव को लेकर रणनीति है या 24 चुनाव को लेकर रणनीति है या आप अपने आप को एक सक्रिय विपक्ष के रूप में सामने लाना चाहते हैं? देखिए, बहुत जल्दी भारतीय जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जो है देश में तलाशने लगी है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। लगातार मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उसका बोझ जनता पर डाल रहे हैं।
15 लाख करोड़ का लोन जो है माफ कर देते हैं, 2.5 लाख करोड़ का इनका टैक्स माफ कर देते हैं और टैक्स को घटा भी देते हैं उनके ऊपर। तो इतनी मेहरबान मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों पे क्यों हो रहे हैं? आपने देखा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था पूरे साल में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ 1.5 लाख करोड़ हुआ है। तो 1.5 करोड़ लाख जमा करने में भारत की जनता को एक साल लग गए और मोदी जी ने 15 लाख करोड़ रुपए पूरे माफ कर दिए। ये कलेक्शन करने में जीएसटी के जरिए हमें फिर से 10 साल लगेंगे। तो अगर इस आकलन को देखिए तो हमारा देश 10 साल पीछे चला गया इनके टैक्स माफ करने की वजह से। और वही आम आदमी के ऊपर लगातार बीजेपी जो है बोझ डालती जा रही है, टैक्स बढ़ाती जा रही है। आपने कहा जीएसटी में किस तरह से दूध पे, आटे पे, बच्चों के खाने पे, पेंसिल में, इरेजर पे लगातार सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, बेतहाशा टैक्स बढ़ाया है और टोल टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो जनता जो है वो उसकी त्राहिमाम कर रही है, जनता की आमदनी नहीं बढ़ रही है। अच्छा। जिस तरह से सरकार टैक्स कमा रही है और टैक्स बढ़ा रही है, जनता की आमदनी नहीं बढ़ रही है और जनता दोनों तरफ से परेशान है। तो बेरोजगारी से परेशान है, फिर ये टैक्स बढ़ाने से, टैक्स से जो पैसा वसूल कर रहे हैं उससे जनता परेशान है। आज देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की वजह से परेशान ना हो। सब त्राहिमाम कर रहे हैं सिवाय इनके पूंजीपति दोस्तों को छोड़ के। तो इस वक्त जनता बहुत तेजी से विकल्प तलाश रही है और जनता जवाब मांग रही है। तो वो जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा कि आपने 15 लाख करोड़ का लोन कैसे माफ कर दिया और जनता पे आप क्यों टैक्स लाते जा रहे हैं। तो जनता ने जिनको आपको भेजा था, दोस्तों ने थोड़ा चुना था भाई, आपको भारत की 137 करोड़ जनता ने चुना है, आपको अदानी अंबानी ने या पूंजीपतियों ने थोड़ा चुना है। तो आप उनके फेवर में काम कर रहे हैं और जनता का लगातार आप ग्राफ नीचे गिर रहे हैं। अब देखिए हमारी जो देश की पहचान होती है, जो रुपया होता है डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आपने खुद कहा था कि 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करेंगे हर साल, आज बेरोजगारी के आंकड़े ये हैं कि 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया। रोजगार युवाओं के लिए, युवा जो है आंदोलन करते हैं रोजगार के लिए, उनको लाठी डंडे मिलते हैं, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं। और सरकार ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का, पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल करके हर राज्य की सरकार को जो बीजेपी के नहीं है उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको परेशान कर रही है। और जो इनके सहयोगी होते हैं तब वो सीडी सीबीआई नहीं जाती, और जहां नीतीश कुमार दूसरे पाले में जाके बैठ जाते हैं फौरन के ऊपर, जहां शपथ लेने के दिन 4 बजे ईडी वहां लग जाती है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एमएलए को 50 करोड़ का, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का जो है ऑफर देते हैं, मुख्यमंत्री के लालच देते हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी तोड़ो, हमारे साथ आओ, तुम्हारे सारे मुकदमे सब माफ हो जाएंगे, पैसे अलग मिलेंगे। तो 800 करोड़ रुपए लगा के ये तोड़ना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी दिल्ली में। जनता पूछने वाली है, एक सवाल जरूर रहेगा कि जो आपने कहा 20 करोड़ रुपए का जो ऑफर आया था, इसका प्रमाण आपने कुछ नहीं दिए, क्योंकि सरकार भी बोल रही थी कि आप प्रमाण दीजिए, कौन कौन सा आर्मी आपके पास आया था जिसने आपके विधायकों को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। देखिए समय आने पे सारे प्रमाण दिए जाएंगे। अच्छा। सब बताया जाएगा, सब जनता के सामने रखा जाएगा, जनता से कुछ छुपा नहीं है। जनता समझ चुकी है बीजेपी का खेल क्या है। बीजेपी आज अपने दम पे कक्षा 6 के मॉनिटर का चुनाव नहीं जीत सकती, उसके अंदर भी सीबीआई ईडी जवाब लेते हैं, उसको प्रभावित करने के जवाब लेते हैं। रामनगर भाई से, रमन भाई से जवाब लेते हैं। रामनगर भाई, सुना आपने कक्षा 6 का चुनाव नहीं जीत सकते आप? नहीं, वो तो देश की जनता लगातार प्रमाण जारी कर रही है, लेकिन ये लोग अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि झूठ पार्टी है। मैं आपको बता दूँ, जैसे कांग्रेस के नेताओं पे जी शुरू हुआ ईडी का ऑपरेशन, जी करोड़ों रुपए लाखों की प्रॉपर्टी मिलने लगी, जी कांग्रेस बौखला गई। अच्छा। उसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जी इनके तो मंत्री जेल में हैं, जी दूसरे जाने वाले हैं। अच्छा। और कई इनके मिनिस्टर जेल जाने वाले हैं, क्योंकि सब ईडी में जो भ्रष्टाचार किए हैं ईडी नहीं छोड़ेगी, सरकार नहीं छोड़ेगी। और मैं तो देख रहा हूँ, अभी हंसी मुझे आ रही थी, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह जी प्रेस कर रहे थे, उन्होंने 6 अगस्त को प्रेस की, जिस दिन ये जेल चले गए थे इनके मंत्री जी, इन्होंने कहा कि 6 लाख करोड़, उसका 16 अगस्त को प्रेस किया, 8 लाख करोड़, 23 को प्रेस किया 11 लाख करोड़, आज 27 को प्रेस कर रहे हैं 15 लाख करोड़। जैसे जैसे दिल्ली का भ्रष्टाचार पकड़ रही ईडी, वैसे वैसे इनके आरोप का जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस भी यही करती है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पूरा देश जान चुका है और उसके बाकायदा प्रमाण मिल गए हैं, इसीलिए इनके नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, हमको फोन किया जा रहा। अरे भाई, आप हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं?
अरे सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां रखिए कि हमारे विधायक खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, ये फला फला नंबरों दिया जा रहा है, उसकी रिगार्डिंग आपके पास बता रहा हूँ आप दोनों वहां, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करे तो बताइए। लेकिन क्योंकि आपको अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाना है और भ्रष्टाचार का मुद्दा दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है, इसलिए रोज इनके आंकड़े अभी देखिए, दो दिन बाद ये कह देंगे 20 लाख करोड़ माफ कर दिया। ये बार बार अडानी अंबानी का नाम लेते हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी किसी नेता की हैसियत हो जरा बता के दिखा दे कि अडानी कितना पैसा माफ हुआ, अंबानी कितना पैसा माफ हुआ, क्योंकि जितना जितना करप्शन इनका पकड़ा जाएगा वैसे इनके आरोप फर्जी लगाते जाएंगे। और देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि मोदी जी के प्रति कितना प्यार करती है, पूरी दुनिया प्यार करती है। आप देखिए पूरी दुनिया में मोदी जी नंबर एक के नेता उभरे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता उफितरा जमीन में चले जा रहे नीचे और जेल जा रहे हैं। पर यहाँ पर रामनाथ भाई एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, अगर हम विपक्ष की बात करें, बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है और चौथी आम आदमी पार्टी भी है, तो आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही, क्या कारण मानते सक्रियता का इसका? नहीं, जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे भ्रष्टाचार ग्राफ बढ़ रहा है इनके, अच्छा, अच्छा। ईडी जैसे जैसे कार्रवाई कर रही है वैसे सक्रियता इनके बढ़ रही है, अच्छा। क्योंकि इनको जनता की बुझ क्या मुंह दिखाएंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ, मुझे एक सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन सबके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, सबके खातों में पैसा बढ़ रहा है, लगातार करप्शन हो रहा है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए प्रयास है, बाकी कहीं कुछ नहीं। ठीक है नितिन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? नितिन भाई, आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है और रामनिवास भाई ने सक्रियता की बजाय कुछ और बताई है, क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है और जो अन्य पार्टियां हैं वो इस समय धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं, तो आने वाले समय में सपा क्या काम करने वाली? भाई समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर है, आपने जैसे अभी अपनी भूमिका में भी कहा था कि समाजवादी, आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी नोएडा में संघर्ष कर रहे हैं, दो दिन पहले आप देख रहे थे आजमगढ़ में थे, इससे पहले आप देख रहे थे कि औरिया जहां जहां भी कोई, अभी ललितपुर के अंदर कांड हुआ था, ललितपुर में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी फरुखाबाद में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 5 लोगों की प्रतिनिधियों की प्रदेश अध्यक्ष सहित टीम बना करके रामपाल सहित तमाम बड़े नेताओं को भेजा गया, तो समाजवादी पार्टी जहां भी अत्याचार शोषण उत्पीड़न होगा वहां समाजवादी पार्टी संघर्ष करती नजर आ रही है। तो ये तो पहली चीज, ये आरोप ही आपका भूमिका में जो आपने कहा था गौरव जी, ये गलत बात है कि समाजवादी पार्टी, आप मेरी बात को सुने नहीं ध्यान से, मेरा कहना ये था कि जो घटना विशेष होती है वहां पर तो अखिलेश यादव जी जाते हैं, पर मेरा मानना है जो जन संबंधी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो गया, इन मुद्दों पर सड़कों पर उतरने का सिलसिला वो कब शुरू होगा, मेरा मुद्दा केवल ये था। गौरव जी, हमेशा एक राजनीति में एक प्रोटोकॉल होता है, आदरणीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल है, सदन के अंदर सरकार को आईना दिखाने का काम उनसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है, इसके बाद में सरकार को एक टाइम होता है कि कोई भी चुनी हुई सरकार को मौका दिया जाता है कि कम से कम 6 महीने तक वो जन कल्याण के काम करे, हम सिर्फ उसको आईना दिखाएंगे, और उसके बाद फिर एक समय होता है जब 6 महीने तक सरकार के काम का अच्छी समीक्षा हो, उसके बाद फिर विपक्ष अपनी भूमिका सड़कों में, आंदोलनों में, धरना में, प्रदर्शन में दिखाने का काम करता है। तो अब वो दौर आ गया कि देखिए लगातार हमारे नेता सड़कों में नजर आ रहे हैं, आज ही नोएडा के अंदर वो संघर्ष कर रहे हैं, इसके पहले आपने देखा, मैंने बताया कि आजमगढ़ में थे, इसके पहले आप ललितपुर देख लीजिए, कन्नौज देख लीजिए, फरुखाबाद देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, जहां भी कहीं घटना होती और जिस स्तर के नेता की जरूरत होती उस स्तर के, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत होगी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्षेत्रीय नेताओं की जरूरत होगी वहां क्षेत्रीय नेता अपने अपने स्तर से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, देखिए उत्पीड़न जिसका भी होगा वो अपनी बात रखने के लिए सड़कों पे आएगा, अच्छा। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश को गुमराह करने का काम कर रही है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद का करप्शन क्यों नहीं नजर आता है? उनके नेता आज तक 8 साल की ये सरकार हो गई केंद्र की और 6 साल की सरकार होने जा रही, क्या भारतीय जनता पार्टी में अभी लगातार आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि PWD का घोटाला कितना बड़ा घोटाला था, क्या कोई कार्रवाई नहीं योगी जी कर पाए क्या? अब ट्रांसफर उद्योग आपने स्वास्थ्य विभाग के अंदर देखा कि खुद डिप्टी CM ने खुद कहा कि हमारे विभाग में करोड़ों रुपए का ट्रांसफर उद्योग हो गया, क्या प्रमुख सचिव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई करने का काम किया क्या? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के
घमंड में चूर होकर के विपक्ष के नेताओं पर उनकी छवि खराब करने के लिए किसी भी तरीके का ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके और उनको छवि धूमिल करने का काम कर रहे। क्या अभी तक कुछ पकड़ के ला पाए क्या? कोई अभी तक कोई घटना उजागर कर पाए क्या? हमेशा सिर्फ लोगों को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती, डराने का काम करती। और इतिहास अब तक का आप देख लीजिए कि जो भी व्यक्ति सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर आया और उसने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा उसी दिन से वो शुद्ध गंगा जल से धुला हुआ पाक साफ हो जाता है। आप चाहे शुद्ध बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, नारदा घोटाले के आरोपी देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को आप देख लीजिए, इतने बड़े आरोपी थे। कल तक भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ संघर्ष करती थी, आज इसके बाद वो आज आसाम में सीएम बन के बैठे हुए। तो इस तरीके से अभी बिहार में आप देख लीजिए कि अभी कल तक नीतीश कुमार कितने गंगा जल की तरीके से पवित्र थे, जैसे ही सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को अलग किया गया और आरजेडी के समर्थन में आए, उस दिन से वो कितने बेईमान और कितने करप्ट नेता हो गए। आपने देखा तो सुबह शपथ ग्रहण शाम को हो रहा था और दोपहर में सुबह उनके घर पे ईडी खड़ी थी। तो आप लगातार देखिए यही आप हालात पूरे प्रदेश और पूरे देश में कायम कर रहे हैं। चलिए नितिन भाई, जवाब लेते हैं प्रवक्ता भाजपा से। रामनाथ भाई कह रहे हैं झुलके पवित्र हो जाते हैं भाजपा में। नहीं, समाजवादी पार्टी के मित्र जो बोल रहे थे उनकी बौखलाहट है जी। बता रहे थे कि हमारे नेता वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो अकेले नेताजी ने किया था, जिसको पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उन्होंने संघर्ष करके पार्टी खड़ी की और अखिलेश जी तो जितना उन्होंने संघर्ष किया उसको खत्म करने काम कर रहे हैं। ये लखनऊ में रहेंगे तो ट्विटर पर रहेंगे, आजमगढ़ जाएंगे तो ट्विटर पर रहेंगे, ललितपुर जाएंगे तो ट्विटर पर रहेंगे, इसके बाहर कभी नहीं जाएंगे, कभी मतलब बाहर नहीं रहेंगे। नेताजी का नेताजी के जो संघर्ष था जो उनका पौरुष था उसी को लुटाने काम कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बनी है, इसके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं। अभी लेते हैं नितिन भाई, अभी आपका जवाब लेते हैं। नितिन सिंह जी लेते हैं आपको, वो थोड़ा झल्लाट रहती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अच्छा काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के समस्त जनमानस के सहयोग से देश को आगे ले जाने काम कर रही है, श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश योगी जी नेतृत्व में। इसीलिए लगातार चुनाव 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि जनता का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि जनता के हितों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। इनके वहां अभी जैसे आप कह रहे थे ईडी सीबीआई, अरे भाई 200 करोड़ रुपए आपके नेताओं के यहाँ मिलते हैं, 600 करोड़ के ज्वेलरी मिलती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में हो जी, चाहे जहां, चाहे दिल्ली में हो जी, अगर इतना पैसा मिलता है तो पैसा किसका है? जैसे पैसा मिलता है वैसे कहते पैसा हमारा नहीं, किसने रख दिया हमारे यहाँ? अरे भाई इस देश में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, न कोई एजेंसी है जो 200 करोड़ रुपए किसी खाते में रख दे या किसी घर में रख दे। नगद बरामद हो रहा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, उनके बेटे ईडी के सिकंजे में आ रहे हैं, अब पूरी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही प्रदेश में, वैसे आम आदमी पार्टी की जैसे जैसे केजरीवाल के गर्दन तक ईडी पहुंच रही है, वैसे वैसे उनका संघर्ष पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना ध्यान बटाना है। जो उन्होंने करप्शन किया है उसकी तरफ जनता ना देखे, हमारा संघर्ष देखे, लेकिन देश जनता समझदार है जी। और उत्तर प्रदेश जनता समझदार है, अच्छी तरह जानती है, इनको जवाब देने का काम करेगी। ठीक है मोहम्मद तकी भाई जी। सुना आपने कि आपके ऊपर जब छापे पड़ते हैं तो आप सक्रिय हो जाते हैं, रामनाथ भाई का कहना है अभी छापे और पड़ेंगे और सक्रिय हो जाएंगे, क्या मानते भाई, क्या कह रहे हैं ये? गौरव भाई आप सुना, आपकी बड़ी जान पहचान है ईडी सीबीआई वगैरह में, एक आध छापा हमारे घर पे भी डलवा दिए, कुछ मफलर और मोजे के जोड़े गायब हो गए मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने छापा डाला, मनीष सिसोदिया के ऊपर छापा डाला, पिछली बार मफलर मिला था और कुछ खाली चीजें मिल गई थी, पुरानी चीजें खो गई थी मिल गई थी, उसके अलावा सीबीआई कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी साबित कर पाए। ये पहली बात हुई ना हुआ है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो कई बार सीबीआई के छापे डाले जा चुके हैं। हमारे 40 के 40 विधायक के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, सब बाइज्जत बरी हो गए। मनीष सिसोदिया पे लगाया, वहां कुछ नहीं मिला इनको, कुछ नहीं साबित कर पाए। और जो सत्येंद्र जैन की बात कर रहे थे, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है, उनको जानबूझ करके जेल के अंदर रखा गया है, बीजेपी ने अपनी नाक का इशू बना दिया है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी को दो दो स्टेट में झूठा साबित कर चुकी है। हमने दिल्ली में जनता से जो वादे किए, 70 के 70 वादे हमने पूरे करे, हमने बिजली फ्री दे के दिखाई, हमने पानी फ्री दे के दिखाया, हमने भ्रष्टाचार को कम किया,
और राजस्व में बढ़ोतरी करी, प्रॉफिट में एक ऐसा स्टेट है पूरे देश के अंदर जो प्रॉफिट में जा रहा है और जनता को फ्री सेवाएं भी दे रहा है करके दिखाया। पंजाब जब हमने दिल्ली में किया तो कहने छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट में कर लिया आपने, बड़े में नहीं कर पाएंगे। जब पंजाब में गए तो पंजाब में हमने बिजली फ्री करके दिखाई, 1 जुलाई 2022 से वहां बिजली फ्री होगी, लोगों को वहां जीरो बिल आने लगे, ये हमने करके दिखाया। बीजेपी को झूठा साबित किया हमने, वहां लोगों को नौकरियां लगाई, कांस्टेबल की नौकरियां निकल रही है, विभागों में नौकरियां खुल रही है, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी सरकारी नौकरियां मिल रही है, वो हमने करके दिखाया। ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी, हमने इनको दो जगह झूठा साबित किया। अब जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी को देखने के लिए बाहर से दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, पेपरों में खबर छप रही है आम आदमी पार्टी की, उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। उनको लग रहा जनता जो है अब अपना अधिकार मांग रही है, हमने जनता को जागरूक कर दिया, जनता को दिखा दिया कि भाई सिर्फ मैनिफेस्टो जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं है, कि इलेक्शन के बाद बीजेपी मैनिफेस्टो को फाड़ के फेंक देती थी, जो जो वादे हमने किए थे एक एक वादा हमने पूरे करके दिखाया। भाई हमने स्कूल बना के दिखाए, अस्पताल बना के दिखाया, हमने महिलाओं को बस में सुविधाएं फ्री दी, हमने पानी फ्री कराया, सड़कें बनाई गई। आप दिल्ली की सड़कें जो है यूरोप की सड़कों की तरह से बन रही है, आप देखा पुरानी दिल्ली के अंदर हमने पूरा वहां पे पूरी सड़कें इतनी खूबसूरत बना दी है, लोग देखने आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। पर तकी भाई यहाँ पर एक बात ये भी है कि निकाय चुनाव आने वाले हैं और निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या करने वाली, क्या गठबंधन करेगी या पूरी सीटों पे खुद लड़ेगी सभी जगह, नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, सभासदी, क्या मानते हैं इसके लिए कोई रणनीति बनाई है क्या? आम आदमी पार्टी कल पदयात्रा निकालने वाली है जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निकाला जाएगा और जिसके जरिए जो लगातार बीजेपी जनता पे बोझ डाल रही है, जनता पे अत्याचार कर रही है, उसको उजागर किया जाएगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं सस्ता कर पा रहे हैं, गैस 1150 रुपए के आसपास आ गई, उसको सस्ता क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब जनता, अब तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया इनका, उस वक्त ये पैसा कम कर सकते थे, इन्होंने नहीं जानबूझ के नहीं किया और लगातार जनता पे बोझ डाले, इनका चेहरा अब जनता के सामने लेके जाए, जनता को दिखाएं कैसा है। और आम आदमी पार्टी निकाय का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी और हम अपना चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे और हम हर हर जगह जो है हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त जनता जो है बहुत तेजी में, बहुत जल्दी एक विपक्ष भी एक नई पार्टी की तलाश में है जो उसकी आवाज को सुने, जो उसको राहत दे, उसके खर्चों कम करे, उसका पैसा बचाए, उसका हमदर्द बने। जनता हमदर्द ढूंढ रही है कि हमारे जख्मों पे कोई मरहम रखे, हमें कोई समझे, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो पूंजीपति का काम कर रहे हैं। ठीक है नितिन भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। नितिन भाई आप अपनी बात पूरी करिए, आप बोलिए। ने कहा रामनिवास भाई जी बैठ करके जिस तरीके से कह रहे थे कि समाजवादियों की बौखलाहट है, ये बौखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पतन के रास्ते पर चल चुकी है, बिहार से इसकी शुरुआत हुई है 9 अगस्त क्रांति के दिन से और अब ये पूरे प्रदेश में, मैं इस समय मौजूदा समय में हरियाणा में हूँ और हरियाणा में जिस तरीके से चर्चा है कि हरियाणा भी इनके हाथ से जाने वाला है, उत्तराखंड में इसका ही बयार बह चुकी है, सिंह रावत वहाँ पार्टी तोड़ने की कगार पर हुए हैं। अच्छा। और मध्य प्रदेश में भी हालात जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि ये शिवराज सिंह को हटा करके नया मुख्यमंत्री देंगे तो शिवराज सिंह जी शांत नहीं बैठने वाले हैं, वहाँ भी हालात हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जब प्रदेश और कई सारे प्रदेश और गुजरात के अंदर जिस तरीके से आज बदलाव की स्थिति चल पड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बौखलाहट पूरे देश में दिखाई पड़ रही। तो जिस स्टेट में जो भी पार्टी विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका में, ये उसको टारगेट करके सत्ता के दम पर, ईडी सीबीआई के दम पर दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्मी जब कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, ये इतिहास गवाह है कि जब जब जुर्म हुआ है, जब जब जाति हुई है, तब तब इस देश की जनता ने एक बदलाव करके दिखाया है। चाहे पुराना कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए, इमरजेंसी का दौर आया था तो जिसका पूरे देश कई सूरज होता था, उस तरीके की जो अखंड सत्ता दिखाई पड़ती थी उसका भी सुपड़ा साफ हो गया था, जीरो पर उठ हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी में भी वही स्थिति हो गई, जैसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है कि कोई चीज मैक्सिमम हाइट तक जाती है उसके बाद वो नीचे ही आती है, तो भारतीय जनता पार्टी अधिकतम ऊंचाई तक जा चुकी है, अब उसके नीचे आने का वक्त शुरू हो गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को ही, जैसे बड़ा जानवर हाथी हो जाता है तो अपने लोगों को ही खाने लगता है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही दमन शुरू कर दिया है।
विपक्ष का तो करना उसका कर्तव्य है, वो तो करेंगे, क्योंकि ये लोग फांसीवादी सोच के लोग हैं। आज यहाँ मैं बैठा था तो एक बड़ी चर्चा थी, दिल्ली के अंदर दो दिन से मैं था, तो कुछ गुजरात के व्यापारी थे, कुछ पूना के बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने चर्चा की थी कि आम जनता में इसका कितना गलत मैसेज जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोगों ने विपक्ष को पूरी तरीके समाप्त करने का इरादा बना लिया। क्या मतलब, ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, या तानाशाही का शासन लागू करना चाहते हैं? इससे आम जनता में जबरदस्त रोष है, छोटे और मझोले व्यापारी इनमें जबरदस्त रोष है, और ये बदलाव आपको परिणाम, चुनावों के परिणाम के रूप में आगे से दिखाई पड़ने वाला है। ये बहुत जल्दी रामनिवास जी, भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। नितिन भाई, जैसे कि हमारी पार्टी की पदयात्रा शुरू हो रही है कल से, इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है 7 सितंबर से, तो क्या मानते हैं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के द्वारा भी ऐसी कोई यात्रा का आयोजन हो सकता है? निश्चित रूप से, अभी समाजवादी पार्टी का स्टेट का सम्मेलन युद्ध है, समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। सदस्यता अभियान के माध्यम से लोग घर घर जा करके और क्षेत्रीय स्तर पर कैंप लगा करके बड़े पैमाने पर पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है। इसके तुरंत बाद सम्मेलन होने, सम्मेलन में ही बहुत सारे कार्यक्रम तय हो जाएंगे कि किस किस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों के आंदोलन शुरू होंगे, और 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना, प्रदेश पर हम लगातार सक्रिय है और जनता के लिए काम करते नजर आए हैं, तब भी कुछ अलग एक ऐसी रणनीति आपने बनाई है कि जो निकाय चुनाव में जिस पर आप चलने वाले हैं, कम शब्दों में? देखिए, हम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के दुखों को, परेशानियों को भली बात जानते हैं। आम आदमी इस वक्त बहुत परेशान है, उसको हर चीज़ बहुत महंगी मिल रही है, उसकी आमदनी कम हो रही है, कहीं से भी उसको राहत नहीं मिल रही है। आज दिन देखिए पेपरों में, आज दिन देखिए लोग सुसाइड कर रहे हैं, पूरे पूरे परिवार के लास्ट साल लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अरे दर्द, पीड़ा होती है देख के भाई साहब, कलेजा फटा जा रहा है। ये हालत हो गई है देश की। मोदी जी को जरा भी तरस नहीं आता जनता के ऊपर? अरे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो मोदी जी जनता से बदला क्यों ले रहे हैं? जनता को तो राहत दे। आप कहते थे हमें ताकत दो, जब भी आपने 2014 में देखा कि एक एक वोट डाला गया, वोट मोदी जी को डायरेक्ट होगा, कहते थे मोदी जी, नहीं कहते थे कि आप जो एक वोट डालेंगे वो किसी एमएलए एमपी को नहीं, डायरेक्ट मुझे डालना है, मैं जवाब देऊंगा। आज वो बोलते नहीं, मन की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, अपने पूंजीपतियों को अमीर बन रहे, पूछो तो बताते नहीं। तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर? जनता का पैसा क्यों लूटा जा रहा है? इतना पैसा कमाई हो रही, उगाही हो रही, कहां जा रही है? किस मुद्दे के साथ जाएंगे? मुख्य मुद्दा कौन सा? महंगाई का मुद्दा लेके जाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा ले जाएंगे, महिलाओं के अधिकार का मुद्दा लेके जाएंगे, जो युवा की शक्ति बर्बाद हो रही उसका मुद्दा लेके जाएंगे, और जो यूज किया जा रहा है सरकारी धन को, मिस यूज हो रहा है, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। कि आज की डेट में बीजेपी ने कोई ऐसा विभाग छोड़ा नहीं जिसका दुरुपयोग न किया अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। रमेश भाई, अपनी बात पूरी करिए, इस चर्चा खत्म करता हूं। नहीं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, यही कारण है कि भी एक सप्ताह पहले देश में कुछ चैनलों ने सर्वे किया, आज तक हमारी कुछ नहीं कर पाया, हमारी 303 आरोप आरोप लगाते रहे, साबित नहीं कर पाए दिखा रही, तो कहीं ना कहीं जनता में लोकप्रियता हमारी लगातार बनी हुई, मोदी जी की बनी हुई लगातार बढ़ रही है। बस भ्रष्टाचार पे हम कार्रवाई नहीं करें सबसे अच्छे हैं, अगर भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजे तो हम तो स्वागत करते हैं सीबीआई की कार्रवाई का, ईडी कार्रवाई का, पुलिस कार्रवाई का, भेजते रहिए सीबीआई को। मोदी जी चुन चुन के भ्रष्टाचारियों, हमारे घरों की सफाई हो जाती सी बात है, और उनको जो है सीडी को भेजते, हमारे घरों की सफाई हो जाती, पुराने सामान मिल जाते, नाम मिलेगा, भेजते रहिए, कार्रवाई करेगी। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। अगर झाड़ू लगाने आ रहा है, कोई पोछा लगाने आ रहा है, सफाई करने आ रहा है, बहुत बहुत स्वागत है उसका, सफाई करते रहिए आप, आपको उसका इनाम मिलेगा। जब जब आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, सब ऐसे आरोप लगाने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सभी का इस वीकेंड चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर चर्चा जो थी वो मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा ये थी, महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार सरकार घूमने का काम कर रही है, ये भी चर्चा का विषय था। पर सबसे बड़े चर्चा का विषय यहाँ पर यह था कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तो बहुत लगाए जाते हैं, पर जनता के लिए संघर्ष करना बहुत आवश्यक है। पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तिरंगा यात्रा, तमाम तरह की यात्राएं हमारे देश में समय समय पर राजनीतिक दलों द्वारा निकल ली जाती हैं, पर जनता के लिए जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी का जो जीवन यापन का स्तर है वो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण दिक्कत में है, पर इन दिक्कतों पर सरकार को खिलाफ प्रदर्शन कौन करेगा,
धरातल पे कौन उतरेगा, और सरकार भी लगातार प्रयास करती है कि कैसे इन चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से व्यवस्थित करना इतना आसान नहीं है। पर चूंकि उम्मीद सरकार से जनता को ही रहती है, और साथ ही साथ उम्मीद रहती है विपक्ष से कि विपक्ष कहीं ना कहीं जनता की बात सरकार तक पहुंचाएगा, और तब सरकार भी बात होगी इन चीज़ों को लेके ठीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए। खैर, आने वाले समय में क्या होगा और निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति होगी वो वक्त बताएगा, पर एक बात तो साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर रस्साकसी का दौर बढ़ चुका है, और साथ ही साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन निभाने वाला है यह अभी भी एक यक्ष प्रश्न सामने रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार। कुछ भाव पुष्प